हेलो फ्रेंड्स, मैं बरजोड़ा एलसीडी एंड एलईडी सॉल्यूशन पॉइंट से बप्पा बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक तो एलजी का 22 इंच का सेट आया है। इसका प्रॉब्लम देखिए, ये इस तरह लाइनिंग आ रहा है। तो कस्टमर का पास जब सेट था, पहले ये स्लो मोशन था। स्लो मोशन होने के बाद बहुत दिन कस्टमर ने चला लिया, उसके बाद नो डिस्प्ले हो गया था और ऐसा बार आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है मैं आप लोगों को साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आप लोगों के पास ये सेट इस तरह प्रॉब्लम आएगा तो जल्दी से जल्दी आप लोग सॉल्व कर सको। ये इसीलिए मैंने ये वीडियो कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये जो डीसी जो आईसी है और इसका ये देखिए, ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है, ये लेवल शिफ्टर आईसी का मैंने ऑड पिन को काट दिया और इवन ऑडो इवन LC1 और LC2 दोनों पिन को मैंने काट दिया। ठीक है, तो दोनों पिन काटने के बाद भी मेरा पिक्चर सही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये सेट को देखिए, ये इवन पिन का साथ VGL जम्पर किया और ये जो पिन है ऑड पिन है, VGH ऑड पिन है, इसके साथ पहले मैंने VGH को बाईपास किया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा पिक्चर नहीं बना। तो मैंने और एक तो बात भूल गया, और ये जो VGH वो पिन है, उसके साथ पहले मैंने VGH को जम्पर किया था, तो सेट मेरा ठीक हो गया था। ठीक होने के बाद मैं एक घंटा डेढ़ घंटा चला के रखा, एक डेढ़ घंटा चलने के बाद सेट फिर से वही प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ये जो VGH ओ पिन है, उसके साथ मैंने AVDD जो सप्लाई है, AVDD सप्लाई को जोड़ दिया। AVDD सप्लाई से VGH ओ पिन जोड़ने से मेरा पिक्चर सही हो गया। मैंने आपको एक बार इस वीडियो में VGH ओ के साथ VGH जॉइंट करके देखाता हूँ पिक्चर क्या हो रहा है, और AVDD में जंपर करके देखाता हूँ पिक्चर क्या हो रहा है। तो ये देखिए, मैंने VGH ओ को साथ VGH पॉइंट पे जंपर कर दिया। उसके बाद मैं टीवी एक बार ऑन करके आप लोगों को देखाता हूँ। देखिए, टीवी मैंने ऑन कर दिया, तो टीवी ऑन करने के बाद इस तरफ लाइन आ रहा है। ठीक है, पहले एक डेढ़ घंटा चला था, उसके बाद इस तरफ हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो VGH ओ पिन है, उसके साथ मैंने ये जो AVDD पिन है, इसका जंपर कर दिया। देखिए, आप लोगों को मैं अरे करीब से देखाता हूँ। ये देखिए, पहले मैंने VGH के साथ जंपर किया था, ये जो है VGH के साथ जंपर किया था, तो इस तरफ ब्लू कलर होके लाइनिंग आ रहा था, लेकिन अभी मैं VGH के साथ AVDD पॉइंट पे जंपर कर दिया। ये जंपर करने के बाद मैं आप लोगों को फिर एक बार टीवी ऑन करके देखाता हूँ। देखिए, टीवी मेरा पावर दे दिया और ऑन भी कर दिया। देखिए, मेरा पिक्चर अभी बन गया,
तो मैंने ये सेट पहले काम कर लिया था, उसके बाद आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने टीवी कंटिन्यू 1500 घंटा चला दिया, तो उसके बाद मेरा पिक्चर सही चल रहा है, मैं कस्टमर को अभी ये डिलीवरी कर सकता हूँ। तो इस तरह प्रॉब्लम आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास जब भी आएगा वो बाईपास एक बार एवीडीडी पे करके देख लेना स्लो मोशन के, ठीक है? थैंक यू दोस्तों, मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा ये वीडियो लाइक और कमेंट करके मेरे चैनल को और ऊपर ले जाना। थैंक यू सो मच एवरीवन।